आबकारी नीति हमारी साफ सुथरी है और उसमें चीजों को लेकर के ऐसे शोर डाल दिया कि ये हो गया वो हो गया, वस्तु में बहुत सारी चीजें उस तरह की थी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर जो है हमने कहा कि ठीक है 12 बजे तक करना चाहिए, उसमें 12 बजे के बाद इसको नहीं करना चाहिए, हम भी इस बात से सहमत हमने किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज प्रदेश विधानसभा सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। आज सुबह से ही चर्चा का माहौल था कि बीते सप्ताह ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और पुनः बैठक बुलाई गई है। ऐसे में माना जा रहा था कि जयराम सरकार आज एक बड़ा निर्णय लेगी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता की आपत्तियों, सुझावों और मांगों के अनुरूप निर्णय लिया है कि नए आबकारी नीति में बदलाव किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बताया जा रहा है कि इस नीति के अंतर्गत अब रात 2 बजे के समय सीमा को निरस्त कर पुरानी व्यवस्था अर्थात सामान्य समय तक बार खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा शराब की दरों को भी बढ़ाया जाएगा, यानी राज्य में शराब अब सस्ती नहीं बिकेगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए रणनीति तैयार की जाए ताकि प्रदेश में शराब की अवैध सप्लाई बंद हो। और ऐसे में जो स्मगलिंग करने का और बहुत सारी चीजों को लेकर के जो है वो उसमें मिलावट करने का, उस सारी जो आपराधिक सारी गतिविधियां होती थी, एक्साइज चोरी का, ये तमाम सारे रास्ते जो है वो बंद होने वाले हैं। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ की जनता ऐसे विषयों को लेकर संवेदनशील है और प्रदेश के मुखिया भी इसी पृष्ठभूमि से हैं। ऐसे में उक्त निर्णय भी सीएम जयराम ठाकुर ने इन्हीं कारणों से लिया होगा। बता दें कि नए आबकारी नीति के 2 मुख्य पहलू हैं, शराब की रेट सस्ते करने व बार को रात 2 बजे तक खुले रखने को लेकर प्रथम दिन से प्रदेश की जनता एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों में सरकार के प्रति काफी असंतोष था। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर ने इसे भांप लिया था और भले ही ये फैसला बेशक हिमाचल के राजस्व में वृद्धि करने वाला था लेकिन जनता इसके विपरीत चाहती है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नीति को सरल एवं जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप ही बनाया जाए। पहली कैबिनेट की मीटिंग में आबकारी नीति पर चर्चा हुई थी और नोटिफिकेशन नहीं हुआ था और मुझे नहीं मालूम कि भाई मीडिया में बातें कहां से चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद जो निर्णय पिछले कल की कैबिनेट में हुआ है और उसकी बाकायदा उसकी नोटिफिकेशन होगी और उसमें चीजों को लेकर के ऐसे शोर डाल दिया कि ये हो गया वो हो गया, वस्तु में बहुत सारी चीजें उस तरह की थी नहीं। वहीं अधिकारियों ने भी राज्य के मुखिया के आदेश का पालन करते हुए इस दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि चंद दिनों के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। सूत्र बताते हैं कि बैठक में सर्वप्रथम इसी विषय पर चर्चा हुई और उपरोक्त निर्णय लिया गया। सुझाव के रूप से हमको जो बातें आई हैं, उनको हमने अधिकांश बातों को उसमें सहजता से स्वीकार किया, कहा कि 12 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। और हालांकि उसमें वो जो बार का जो टाइमिंग का इशू था वो सिर्फ ऐसी जगह का था जिसमें मनाली है, धर्मशाला जैसे स्टेशन है, वो सब जगह की सब बारों के लिए नहीं था वो। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर जो है हमने कहा कि ठीक है 12 बजे तक करना चाहिए, उसमें 12 बजे के बाद इसको नहीं करना चाहिए, हम भी इस बात से सहमत हमने किया। आबकारी नीति को लेकर जनता के बीच हो रही चर्चाओं और आपत्तियों के मद्देनजर अब जयराम सरकार ने फैसला किया है कि शराब महंगी की जाएगी और शराब माफिया को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में अभी अधिसूचना जारी होगी तथा उसके पश्चात ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कुछ चीजों को लेकर के माइनर सी कुछ सुजेशन जो आई थी उनको इनकॉर्पोरेट किया गया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही कहना कि आबकारी नीति हमारी साफ सुथरी है, उसमें रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर फोकस किया गया है और उस दृष्टि से जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय प्रदेश हित में है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला ब्यूरो की रिपोर्ट।